यहाँ पर अभी बहुत सारे फोन यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिव्यू अगर मैं बोलूँ तो ऑनर प्ले का, कि ऑनर प्ले आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ये जो भी प्राइस रेंज अभी जो सेगमेंट अभी जो प्राइस गिरा है इसका, उस प्राइस सेगमेंट पे ये कितना बढ़िया है और वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑनर प्ले आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑनर प्ले, यहाँ पे 4 और 64 GB वेरियंट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,000 जितना 23,000 जितना यहाँ पे प्राइस पे लॉन्च हुआ था। लेकिन अगर अभी प्राइस सेगमेंट की हम बात करें तो प्राइस में ये वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल है, करीबन 14,000 रुपये इसका प्राइस है अभी। अगर आप एक्सचेंज ऑफर में जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 4-5 हज़ार रुपये का और भी यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेजन का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, थोड़ा मदद मुझे भी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑनर प्ले का, यहाँ लॉन्ग टर्म रिव्यू की हम बात करने वाले हैं, तो ऑनर प्ले यहाँ डायरेक्ट कॉम्पीट करता है वन प्लस 6 के साथ। और अगर हम इसकी प्रोसेसर की बात करें किरिन 970 का, जो कि डायरेक्ट कॉम्पीट करता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 845 के साथ। अब इन दोनों प्रोसेसर्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको किरिन 970 और स्नैपड्रैगन का 845 ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सेम परफॉर्मेंस देता है। सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑनर प्ले का बिल्ड और डिज़ाइन। ऑनर प्ले का बिल्ड और डिज़ाइन वन प्लस के 6 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी बेटर है। यहाँ पर ऑनर प्ले में आपको मेटल डिज़ाइन मिल जाता है, यहाँ पे पूरा का पूरा मेटल बॉडी मिलता है, प्लस यहाँ पे इसका लुक और स्लीकीनेस जो पतला है, मतलब इतना स्लीक है ये डिवाइस, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में। ऑनर प्ले का अनबॉक्सिंग और काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं ऑलरेडी पहले भी बना चुका हूँ। यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिव्यू में अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर अभी तक जो मैं इस्तेमाल किया हूँ ऑनर प्ले को, मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। कभी भी मेरा फ़ोन जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ तब से लेकर के अभी तक, फ्रॉम द डे फर्स्ट से लेकर के आज के वक्त तक, यहाँ पर ऑनर प्ले में मेरा फ़ोन एक भी बार हैंग नहीं हुआ हो, या फिर एक बार भी ये रिस्टार्ट नहीं हुआ है, हैंग होकर के क्रैश नहीं किया है, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ चलते चलते बंद नहीं हुआ है, ऐसा कभी भी मुझे देखने को नहीं मिला। नो डाउट EMUI 8.2 जब इसमें था तो थोड़े बहुत इसमें प्रॉब्लम्स थे, अभी EMUI 9 जब से इसमें आया हुआ है, लेटेस्ट अपडेट जब से हमें इसमें मिला है, तब से यहाँ पर हमें और बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर बग्स की भरमार अभी भी है, यहाँ पर थोड़े बहुत बग्स यहाँ पर ऑनर प्ले में अभी भी है। इन शॉर्ट बोलूँ तो EMUI 9 का ये प्रॉब्लम है, जहाँ पर अभी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में प्रॉब्लम आती है, आप नोटिफिकेशन को स्वाइप नहीं कर सकते हैं, काफ़ी बार आप देख नहीं सकते हैं कुछ, नोटिफिकेशन आता तो है लेकिन वो ब्लैंक रहता है, वाइट रहता है, कुछ भी दिखता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो हर फोन पे डिपेंड करता है, वेरी करता है, क्योंकि बग ऐसा होता है कि हर फोन के अलग अलग बग होते हैं, भले आप उसी लेटेस्ट अपडेट में रहिए लेकिन बग अलग अलग रहता है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर वन प्लस 6 को ये पूरी कड़ी टक्कर देता है ऑनर प्ले, और यहाँ पर कैमरा का परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कैमरा में वीडियो की बात करें तो यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग, ये सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। EMUI यहाँ पर 9 जब से आया है यहाँ पे बहुत हद तक ऑनर प्ले को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, और यहाँ पर बजट सेगमेंट में आज के वक्त अगर आपको कोई भी फ़ोन लेना हो तो आई बिलीव यहाँ पे 14,000 के सेगमेंट में आपको ऑनर प्ले से बेहतर और कोई फ़ोन नहीं मिल सकता है, भले चाहे वो रेडमी नोट 7 प्रो हो, रेडमी नोट 7 हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, यहाँ तक कि ऐसा ज़ेनफोन मैक्स प्रो हो, या फिर मैं बोलूँ नोकिया होगा, या फिर सैमसंग, या फिर सैमसंग के M30, M50 जो भी सीरीज़ है, जितने भी फ़ोन्स हैं उन सब से लाख गुना बेटर है ऑनर प्ले, क्योंकि इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल का इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है। रैम के दो वेरियंट्स इसमें है, 4 GB और 6 GB दोनों ही अवेलेबल है, आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं इसमें आप। बैटरी बैकअप आपको इसमें बिंदास से इसमें 1.5 डेज का आपको आराम से मिलता है। यहाँ पे क्विक चार्ज का ऑप्शन है, मतलब फ़ोन को लगाइए और फटाफट चार्ज कर लीजिए। टाइप सी इसमें USB पोर्ट है। फ्रंट कैमरा का भी यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छा है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही डिसेंट क्वालिटी है, मतलब अगर कैमरा लवर थोड़ा बहुत अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल अगर हम पूरा स्ट्रक्चर वाइज बात करें, टाइप सी कैमरा, 4K रिकॉर्डिंग, मेटल डिज़ाइन, EMUI 9, एंड्रॉयड पी, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस ऑनर की तरफ से अपडेट आते रहते हैं, डिस्प्ले ब्रिलियंट, यहाँ पे साउंड क्वालिटी की बात करूँ, ऑडियो चाहे आपके स्पीकर्स में या फिर 3.5 mm में, अमेजिंग। यहाँ पर किसी भी मामले में या फिर किसी भी मायने में यहाँ पर ऑनर प्ले और वन प्लस 6 से पीछे नहीं है, यहाँ पर एक कदम ऊपर ही होगा लेकिन नीचे नहीं है। तो यहाँ पे अगर
आज के वक्त अगर आप कोई फोन खरीदना चाहते हैं तो आई बिलीव ऑनर प्ले आपका एक बेस्ट चॉइस होगा। 22,000 जब प्राइस थी तब महंगा होगा नो डाउट, लेकिन आज के वक्त फोन की कीमत है 14,000 रुपए एंड आई बिलीव 14,000 रुपए में फ्लैगशिप का प्रोसेसर आपको आज के वक्त में मिलना मुश्किल है। यहाँ पोको F1 भी अवेलेबल है लेकिन वो 14,000 में नहीं बिक रहा है। ऑनर प्ले अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आंख बंद करके आप खरीदिए, अब बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। फोन की परफॉर्मेंस अमेजिंग है, थोड़े बहुत बग सभी फोन में रहते हैं लेकिन वो आते हुए समय में धीरे धीरे वो पैचेस में या फिर अपडेट्स में ऑनर की तरफ से वो फिक्स किए जाएंगे, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। तो मेरी तरफ से ये लॉन्ग टर्म रिव्यू में ऑनर प्ले मेरा ये फेवरेट डिवाइस है, मेरा डेली यूसेज है, मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरा डेली यूसेज भी डेली ड्राइवर में 1+6 तो नहीं है लेकिन ऑनर प्ले है मेरे पास और ये मेरे हर काम को जस्टिफाई करता है। काफ़ी बार मतलब मेरे फ़ोन में एनी टाइम आई बिलीव 50 से 60 एप्लीकेशंस एनी टाइम रहते हैं एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम जो कंपनी देती है उसके अलावा, और मुझे कोई भी तकलीफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। भले मुझे गेम खेलना हो या फिर बोलूँ तो गेम में पबजी खेलना हो तो फिर यहाँ पर भी मुझे कोई तकलीफ प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है और टाइप सी USB है तो डेफिनेटली मेरे लिए तो ये 22,000 में मैंने खरीदा था लेकिन आज के वक्त अगर आप खरीदते हैं तो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। तो ऑनर प्ले यूजर्स जो जो है, अगर आप ये फोन यूज कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगता है ऑनर प्ले। तो मेरी तरफ से तो ये ऑनर प्ले एक थम्स अप है, ऑनर प्ले एक अमेजिंग फोन है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत अच्छी बात नहीं करके बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे बने रहिए और प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।